टेंथ पास ट्वेल्थ पास एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई दिस जॉब इंडिया की मोस्ट प्रीसियस ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ की तरफ से जॉब निकली है सैलरी पैकेज फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज सत्तावन हजार रुपये दसवीं बारहवीं एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं तो एक लाइक तो बनता है आप जब तक लाइक नहीं करोगे मैं आज वीडियो स्टार्ट नहीं करने वाला तो जल्दी से लाइक करिए तो चलिए स्टार्ट करते तो दोस्तों आज डी की तरफ से जॉब की अपडेट आई है जहां पे ऑलमोस्ट आपकी 11 प्रोफाइल पे जॉब निकली है हर प्रोफाइल की जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मिनिमम टू मैक्सिमम जा रही है इट्स मीन अगर आप दसवीं पास भी हैं एक सरकारी जॉब चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट हैं इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं और आपको ये जॉब चाहिए तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आ चुके हैं तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक ओवरव्यू पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक से ज्यादा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे और येस इट इज एप्सलूट फ्री फॉर एससी एंड एस कैंडिडेट के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जस्ट हंड्रेड रुपीज आपको बेसिकली आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है मैं उसकी बात कर रहा हूं दो राउंड आपके यहां पे होंगे ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये दोनों राउंड क्या है प्रोफाइल क्या है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं क्योंकि ऑन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग हंड्रेड रियल जॉब की अपडेट so, जैसे आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे आपकी पहली अपडेट है जेटीओ जूनियर ट्रांजेक्शन ऑफिसर और यहां पे आपकी चाहिए मास्टर डिग्री प्लस या तो आपने ग्रेजुएशन करी हो हिंदी के अंदर तो ये ऐसी जॉब है जहां पे काफी कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे मे बी हो सकता है ज्यादा करें पर नेक्स्ट जो प्रोफाइल है स्टेनोग्राफर वन ऑफ योर फेवरेट ये चीज मुझे पता है क्योंकि आपके कमेंट में रीड आउट करता हूं बहुत सारे पर्सन है जो अपनी लाइफ में स्टेनोग्राफी पे सीख रहे स्टेनोग्राफिक स्टेनोग्राफर के बेस पे जॉब आई है तो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे देन आफ्टर आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की है जहा पे ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं देन आपकी ए लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब है ट्वेल्थ पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने डिग्री भी कंप्लीट करी है तो ये यू कैन अप्लाई देन आफ्टर आपकी अगेन टाइपिंग से रिलेटेड जॉब है हिंदी और इंग्लिश की जो कि आपके अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए लेवल पे आती है ट्वेल्थ पास तो ये यह देखो यहाँ पे टाइपिंग हो गई जिसकी डिमांड आपने करी थी यहाँ पे स्टेनोग्राफर हो गए जिसकी डिमांड आपने करी थी तो डेफिनेटली इस जॉब को ज़रूर अप्लाई करो लाइक तो करें यार इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है पाँच लाइक का मैं देखना चाहता हूँ इंडिया के अंदर जो इंडिया का यूथ है क्या वो रियल में समझता है कि जो तैयारी वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सारी जॉब की अपडेट मिल रही है अगर समझता है तो लाइक करेगा अगर नहीं समझता तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इसी तरीके से रेगुलर जॉब अपडेट उसको मिलती रहेगी देन आफ्टर आपकी यहाँ पे आती है स्टोर असिस्टेंट की देन आपकी अगेन आती है स्टोर असिस्टेंट की हिंदी इंग्लिश डिफरेंट डिफरेंट है तो हिंदी कैंडिडेट को भी बहुत वेटेज दी गई है और दोनों के अंदर ट्वेल्थ पास अप्लाई कर सकते हैं देन आफ्टर आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है देन आपकी व्हीकल ऑपरेटर की जहाँ पे टेन पास कैंडिडेट कैन अप्लाई प्लस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पे ये यह एक जॉब है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की इंपॉर्टेंस है तभी कहते हैं कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं देन आफ्टर आपकी फायर इंजीनियर के जो टेंथ पास है देन आपकी फायर मैन की जो अगेन आपकी टेंथ पास प्लस आई का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये जॉब आपकी होने वाली है तो आप इन सभी जॉब को अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली अप्लाई करें चूँकि फोर्टी वन सिटीज़ में आपका एग्जाम सेंटर है आपके नियर बाई आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर पाएंगे एज लिमिट की मैं ज़रूर बात करूंगा चूंकि गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इट टू अगर आप एस सी हैं एस टी हैं ओबीसी और आपको एज रिलेक्सेशन मिलता है तो यहां पर भी हंड्रेड परसेंट वैलिड है तो यह सारा हो गया आपका ओवरव्यू और प्रोफाइल का डिस्कशन नाउ कम टू पार्ट मेन पॉइंट भैया जॉब सुनने से या जॉब देखने से नहीं मिलती जॉब पे जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने से मिलती है तो यहाँ पे दो एग्जाम है CBT, जो कि आपका जाएंगे 60 minutes, तो से और ये सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे हिंदी और इंग्लिश बेसिक एकदम तो आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और एक घंटे में करना है इस चीज को माइंड से स्किप मत करिएगा स्पीड टेस्ट करी जा रही है आपकी देन आफ्टर जो आपका सेकेंड पार्ट होगा किसमें पहले ही एग्जाम के अंदर उसमें 75 क्वेश्चन होंगे व्हिच इज रिलेटेड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर में रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश आपकी जीए और रीजनिंग एबिलिटी के अंदर बेसिक मैथ्स बिल्कुल बेसिक मैथ्स को भी कंसीडर कर सकता हूँ 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एक घंटे का समय तो बेसिकली आपने देखा कि 2 घंटे के अंदर आप